संगीतकार नौशाद ने कह दिया कि वो फिल्म मेरे महबूब में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपए लेंगे, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे। संगीतकार शंकर जयकिशन उस समय 1,75,000 ले रहे थे, यानी नौशाद की मांग से 50,000 कम। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म निर्माता मुश्किल में था, उसे राजेंद्र कुमार को 20,00,000 देने थे और साधना को 4,00,000, और अब ऊपर से संगीतकार नौशाद की बढ़ी हुई फीस। याद में तेरी जागे, जागते हम। फिल्म में हुस्ना यानी साधना के हुस्न को परवान चढ़ाया मोहम्मद रती। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायकी के सम्राट मोहम्मद रफी की और उस मशहूर संगीतकार की जिसने एक झटके में अपनी फीस 1,15,000 रुपए बढ़ा दी थी। हम बात करेंगे उस दौर की भी जब टॉप के कुछ संगीतकारों के बीच फीस बढ़ाने की होड़ मची थी। आखिर किसने जीती थी ये जंग? दोस्तों, अब हम चलते हैं समय के उस दौर में जिसे हिंदी सिनेमा संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी 60 का दशक। 60 के दशक में भी हम चलेंगे वक्त के उस मोड़ पर जब फिल्म संगीत नित नई बुलंदियां छू रहा था और सिनेमा का संगीत लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान। फिल्म संगीत में रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। हर नई फिल्म के साथ उसके गानों की लोकप्रियता का एक नया रिकॉर्ड बनता और पिछले रिकॉर्ड टूट जाते। बाजार भी सिनेमा और संगीत दोनों को दोनों हाथों से बेचने में लगा था। साथियों, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली होती फिल्में और इन फिल्मों के हिट और सुपरहिट गाने बाजार में आग लगा रहे थे। ऐसे में हिट और सुपरहिट गानों में संगीत देने वाले उस दौर के नामी संगीतकारों के बीच एक जंग छिड़ी थी। मृदंग बाजे तिरकिट धूम, तिरकिट धूम ताता। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता। ये जंग थी फिल्म उद्योग में अपने काम की सबसे ऊंची कीमत लेने की। दोस्तों, मोटे तौर पर जो संगीतकार इस होड़ में शामिल थे उन संगीतकारों के नाम हैं नौशाद अली, एसडी बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और ओपी नैयर, मदन मोहन, रोशन, खयाम, जयदेव, सलील चौधरी, हेमंत कुमार, एन दत्ता, चित्रगुप्त, उषा खन्ना, एसएन त्रिपाठी, वसंत देसाई, रवि और आरडी बर्मन जैसे संगीतकार इस रेस से बाहर थे, लेकिन चाहते वो भी थे कि उन्हें उनके काम की पहले से ज्यादा कीमत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तमाम संगीतकारों ने अपने काम से हिंदी फिल्म संगीत की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने। दोस्तों, अब हम खड़े हैं वक्त की गली के उस मोड़ पर जब टॉप के कुछ संगीतकारों के बीच अपनी फीस बढ़ाने की होड़ मची थी। वक्त की राह में ये मोड़ आया था साल 1960-61 में। 1960 और 61 में तीन फिल्मों ने जबरदस्त धूम मचाई थी। ये फिल्में थी मुगले आजम, कोहिनूर और गंगा जमुना। इन तीनों फिल्मों में संगीत दिया था संगीतकार नौशाद ने। इन तीनों फिल्मों में हीरो थे दिलीप कुमार। पहले आई थी मुगले आजम अगस्त 1960 में। प्यार के दुश्मन होश में आ, हो जाएगा बर्बाद। फिर नवंबर में आई थी कोहिनूर
दो सितारों का जमीन है मिलन। और इनके बाद जनवरी 1961 में आई थी गंगा जमुना। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। दोस्तों, बाजार में मुगले आजम, कोहिनूर और गंगा जमुना के गानों के रिकॉर्ड्स बिक्री के सारे कीर्तिमान तोड़ रहे थे। फिल्म उद्योग में संगीतकार नौशाद अली की तुती बोल रही थी। ऐसे में खबर आई कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरनाम सिंह रावेल यानी एचएस रावेल एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मेरे महबूब। फिल्म में हीरो के लिए तय हुआ था जुबली कुमार और उनके साथ हीरोइन तय की गई थी उनकी खूबसूरत जोड़ीदार साधना। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये भी घोषणा हुई थी कि फिल्म में उनके साथ होंगे अशोक कुमार, निम्मी, प्राण और जॉनी वॉकर। तय ये भी हुआ कि मुस्लिम समाज पर आधारित फिल्म मेरे महबूब में संगीत देंगे उस वक्त के टॉप के संगीतकार नौशाद। चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। दोस्तों, हम खड़े हैं अक्टूबर 1961 के उस मोड़ पर जब अब की मुंबई और तब की बंबई की सिनेमा हॉल मराठा मंदिर में मुगले आजम डायमंड जुबली मना चुकी थी और शम्मी कपूर और सायरा बानो की फिल्म जंगली ने अक्टूबर मध्य से सिनेमा हॉल्स में धमाल मचाना शुरू कर दिया था। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। दोस्तों, ऐसे में फिल्म मेरे महबूब की घोषणा ने फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दी। हलचल इसलिए क्योंकि मुगले आजम, कोहिनूर और गंगा जमुना जैसी तीन जुबली हिट्स देने के बाद नौशाद अली अब मेरे महबूब में संगीत देने जा रहे थे। बाजार में इसे लेकर सरगर्मियां थी। तभी पता लगा कि संगीतकार नौशाद अली ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने फिल्म मेरे महबूब में संगीत देने के लिए फिल्म निर्माता से 2,25,000 रुपए मांग लिए। दोस्तों, अब हम खड़े हैं 1961 के नवंबर के मोड़ पर। संगीतकार नौशाद अली ने अपनी मांग फिल्म निर्माता के सामने रख दी थी। 2,25,000 रुपए यानी 2,25,000 रुपीज। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले किसी फिल्म में संगीत देने के लिए इतनी ज्यादा रकम किसी ने नहीं मांगी थी। नौशाद अली के इस मांग से फिल्म निर्माता हैरान थे, इतनी बड़ी रकम। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पिछले 10 सालों से यानी कि 1950 से 1960 तक संगीतकार नौशाद अली एक फिल्म में संगीत देने के लिए 1,10,000 रुपए लेते थे। अब वो एक फिल्म में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपए मांग रहे थे यानी पहले से 1,15,000 रुपए ज्यादा, वो भी एक झटके में। फिल्म इंडस्ट्री में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दोस्तों, अब हम खड़े हैं नवंबर 1961 के मोड़ पर। अब संगीतकार नौशाद अली को छोड़ थोड़ी देर के लिए चलते हैं संगीतकार शंकर जयकिशन की ओर, जिनकी फिल्म जंगली अक्टूबर के मध्य से लोगों के बीच धूम मचा रही थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। इस फिल्म में शमी कपूर के साथ हैं कमसिन हसीना, सायरा बानो, जिन्होंने इस फिल्म से सिनेमा में डेब्यू किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जंगली तक शंकर जयकिशन की फीस थी 1,25,000 रुपए यानी 1,25,000। लेकिन जंगली के गाने ऐसे हिट हुए कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर कर दी 1,75,000 रुपए यानी 1,75,000 पर मूवी, पहले से 50,000 रुपए ज्यादा। आपको ये भी बता दें कि जंगली के पहले संगीतकार शंकर जयकिशन की जो फिल्म म्यूजिकली हिट हुई थी वो थी सितंबर 1961 में आई नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इसमें थी आशा पारेख और थे देवानंद। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। फिल्म जब प्यार किसी से होता है के पहले फरवरी 1961 में शंकर जयकिशन की फिल्म आई थी आस का पक्षी। इसके गाने भी खूब हिट हुए थे।
वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। दोस्तों इन दोनों फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने लिए थे 1,25,000 रुपए। दोस्तों अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो पता चलता है कि शंकर जयकिशन ने फरवरी 1959 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन के लिए 75,000 रुपए यानी 75,000 रुपीज लिए थे। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर ये दो टांग वाला। फरवरी 1959 में 75,000 रुपए और अक्टूबर 1961 में 1,75,000 लेने की घोषणा, यानी फरवरी 1959 से लेकर अक्टूबर 1961 के 30 महीने में 1,00,000 रुपए का जंप। दोस्तों अब फिर आते हैं नौशाद अली की तरफ, जो शंकर जयकिशन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 1961 में फिल्म मेरे महबूब के लिए फिल्म निर्माता से 2,25,000 रुपए मांग रहे थे। यहां इस बात का जिक्र करना फिर जरूरी है कि नौशाद ने अपनी फीस इतनी इसलिए बढ़ा दी थी क्योंकि उन्होंने मुगले आजम, कोहिनूर और गंगा जमुना के रूप में एक के बाद एक लगातार 3 जुबली हिट फिल्में दी थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबन मेरा अधिका नाचे रे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। दोस्तों मेरे महबूब की घोषणा हो गई थी लेकिन नौशाद अली 2,25,000 की अपनी मांग पर अड़े थे। बाजार असमंजस में था क्योंकि शंकर जयकिशन अब भी 1,75,000 रुपए ले रहे थे, नौशाद अली से 50,000 कम। बाजार करे तो क्या करे। वक्त बीतता जा रहा था, फिल्म मेरे महबूब के संगीत निर्देशक के तौर पर नौशाद अली के नाम पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लग पाई थी। यह स्थिति तब थी जब फिल्म के हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार और हीरोइन के लिए साधना के नामों की घोषणा की जा चुकी थी। फिल्म निर्माता को नौशाद अली की मांग हजम नहीं हो रही थी। फिल्म का बजट बिगड़ रहा था क्योंकि मेरे महबूब के लिए अभिनेता राजेंद्र कुमार को 20,00,000 और अभिनेत्री साधना को 4,00,000 रुपए देने थे। नौशाद अली टस से मस नहीं हो रहे थे। नौशाद अली को छोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि राजेंद्र कुमार मेरे महबूब को यादगार बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि मेरे महबूब जैसी थीम के लिए संगीतकार नौशाद अली जैसा पीरियड फिल्मों का विशेषज्ञ ही फिल्म में संगीत दे। उधर नौशाद अली थे कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर जुबली कुमार राजेंद्र कुमार की बात मान ली गई क्योंकि 1961 में किसी फिल्म निर्माता में उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं थी। संगीतकार नौशाद अली की मुंह मांगी फीस 2,25,000 रुपए पर मुहर लगा दी गई। नौशाद अली ने मेरे महबूब में संगीत दिया। फिल्म रिलीज हुई 1963 में दिवाली के ठीक एक दिन पहले। लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फोकस में रखकर बनी मुस्लिम सोशल फिल्म मेरे महबूब उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। उस साल यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पोजीशन पर रही। कमाई के मामले में भी फिल्म बहुत आगे रही। मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी ने ऐसा समा बांधा कि लोग देखते रह गए। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है। जानकारों के मुताबिक नौशाद अली ने इस नज्म को बिना किसी ऑर्केस्ट्रा के महज चंद वाद्य यंत्रों के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया था। मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। नायक की ठहरी लेकिन लरसती आवाज नायिका को बेचैन कर देती है। इश्क परवान चढ़ता है और फिर वो दिन भी आता है जब नायक नायिका के घर उसके जागने का इंतजार करता है, उसके हुस्न की शान में कसीदे पड़ता है। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। अनवर के इश्क और हुस्ना के हुस्न ने लोगों को खूब लुभाया। इस फिल्म में 9 गाने हैं जिन्हें गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए।
अगर इन 9 गानों का संगीतकार नौशाद की कुल फीस 2,25,000 रुपए के हिसाब से हिसाब लगाएं, तो एक गाना 25,000 का बैठता है। इन गानों को लिखा है संगीतकार नौशाद अली के जोड़ीदार गीतकार शकील बदायूनी ने। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।